Hi guys, welcome back to my channel Tarneet Kaur. I hope all of you are doing well. You all are great, safe, happy at your place. So आज की वीडियो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ. लाइक आई सॉ दैट ब्लश टेक्निक की वो जो पहले लिपस्टिक लगा के एंड देन यू नो आप अपना पूरा मेकअप करो तो वो नेचुरल ब्लश लुक जो है वो आएगी. सो आई सॉ मैनी वीडियोज सो नाउ आई थॉट टू ट्राई दिस आउट फाइनली. आई डोंट नो वेदर इट्स राइट नाउ गोइंग वायरल और राइट नाउ इन यू नो in makeup trend or not, but it's okay. I'm gonna try it because I really want to try it. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, do subscribe it and like the video if you will like it and share the video as well. So now सबसे पहले मैं अपने बाल जो है वो you know set कर लेती हूँ ताकि वो बीच में ना आए. सो मैं अपना फेस जो है वो प्रेप कर चुकी हूँ ऑलरेडी. मॉइस्चराइजर और सीरम जो है मैं अप्लाई कर चुकी हूँ. इट्स बीन ऑलरेडी लाइक आई थिंक 3 to 4 minutes. तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. सो प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ इज़ बाय NYX पोर फिलर. आई हैव पोर्स ऑन माई फेस सो दैट्स वाई एम यूजिंग दिस पोर फिलर प्राइमर. सो नेक्स्ट जो है वो कलर करेक्टिंग है. कलर करेक्टिंग मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि कुछ डार्क स्पॉट्स हैं और राइट नाउ आप देखोगे एक्टिव एक्नेस भी हैं और ऑब्वियसली यू नो ड्यू टू माय प्रेगनेंसी मुझे कहीं कहीं पे स्पॉट्स भी आ रहे हैं. सो दैट इज़ नेचुरल, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई मैं उसको सबसे पहले मैं कलर करेक्टिंग करूँगी. ऑरेंज जो है वो कैंसिल आउट करेगा जो भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं और डार्क सर्कल्स जो हैं वो उसको कैंसिल आउट करेगा. पिगमेंटेशन है कहीं पे वो चीज़ को कैंसिल आउट करेगा. अराउंड द माउथ एरिया होता है, यहाँ यहाँ पे होती है तो वो सब चीज़ों को मतलब जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी ब्लैकनेस है आपके फेस पे, डार्कनेस है, ब्राउन स्पॉट्स हैं तो वो उस चीज़ को जो है कैंसिल आउट करेगा. मेरे फेस पे अभी बहुत ही ज़्यादा है सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. एंड जो ग्रीन कलर करेक्टर है वो कैंसिल आउट करेगा जितनी भी रेडनेस होगी फेस पे. लाइक अभी जो मेरे एक्टिव एक्नेस हैं उस पर मैं एक्टिव एक्नेस नहीं है एक्चुअली, दे आर ऑलमोस्ट गॉन. सो मैं रेड है सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ऑन दैट. अदरवाइज हम येलो यूज कर सकते हैं या पर्पल यूज कर सकते हैं. नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट विद दिस कंसीलर ब्रश. नाउ अब जो मैं जो टेक्निक है जो ब्लश टेक्निक है उसके लिए मैं एक रेड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. आपको रेड लिपस्टिक ही यूज करनी है. सो जो मैं रेड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इज बाय लॉरेल पैरिस एंड इट्स इन दी लाइक 266 नंबर बाय कलर रिच मैट. सो ये रेड लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ. इट्स अ मैट वन और ये बुलेट लिपस्टिक है. सो करना क्या है, सो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है ब्लश. लाइक आप जहाँ पर भी ब्लश अप्लाई करते हो एंड देन आपको ब्लेंड आउट करना है प्रॉपरली. अब मैंने ब्लेंड जो है वो कर लिया है. अब ऐसा ही कुछ देखते हैं इसके ऊपर हम यूज करते हैं एंड देन लेट्स सी कि ये पूरा यू नो लुक देता है या नहीं देता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ फाउंडेशन. जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ इज द पैक HD लिक्विड फाउंडेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ कंसीलर. जो कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ इज बाय पैक. इट्स स्पॉटलाइट रेडी लिक्विड कंसीलर एंड इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर. ये ऑलरेडी मैं बहुत यूज करती हूँ, खत्म हो चुका है. सो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी जिसमें यू नो बोल रहे थे कि ये टेक्निक वर्क नहीं कर रही है या कैमरा में नहीं नज़र आ रहा है बट हल्का सा टेंट है. बट यू नो ऑन माय साइड यहाँ पे मुझे कैमरा में आई थिंक दिख रहा है कि ये जो है यू नो यहाँ पे टेंट है. प्रॉपर ब्लशर लगाने की नीड नहीं है. बहुत ही नेचुरल सा यू नो ब्लश लुक आ रही है ऑलरेडी. और नोज पे भी है क्योंकि मैंने नोज पे भी लगाया था तो नोज पे भी थोड़ी सी ब्लशी लुक आ रही है. सो इट्स गुड और ये टेक्निक जो है वो वर्क कर गई है ऑलरेडी मेरे पे.
एंड और ये डिपेंड भी कर रहा है कि आप कौन सी लाइक लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, मैट यूज़ कर रहे हो या बुलेट लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो, आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, ये भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सबने अलग अलग यूज़ करी है, किसी ने सेम यूज़ नहीं करी है. सो मैंने जो यूज़ करी है वो ये यू नो बुलेट लिपस्टिक करी थी, क्योंकि बुलेट लिपस्टिक्स जो होती हैं वो ईजी टू ब्लेंड होती हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो थोड़े क्रीमी होती हैं तो वो ईजी टू ब्लेंड है. दैट्स वाई मैंने बुलेट लिपस्टिक यूज़ करी थी. मेरे पास रेड मैट में भी थी बट आई डेंट यूज़ इट, क्योंकि वो मुझे यू नो प्रॉब्लम होती, ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम लगता और ब्लेंड मुश्किल से होती है, आई डोंट नो होती है नहीं होती, मुझे फेस वॉश करना पड़ता. दैट्स वाई मैंने बुलेट लिपस्टिक लाइक क्रीमी टेक्स्चर ही मैंने चूज़ किया. सो नाउ आई एम गोइंग टू सेट एवरीथिंग आउट विद दिस वन एंड आई विल बी बैक विद द फुल लुक. सो यस, दिस इज द फाइनल लुक और मैंने बाकी का जो मेकअप है वो मैंने कर लिया है एंड मैंने ब्लशर नहीं अप्लाई किया है, ये एज इट इज़ मैंने सिर्फ ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर अप्लाई किया है, दैट्स इट. मैंने ब्लशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है. सो नेचुरल जो ब्लश लुक है वो ही मैंने रहने दिया है एंड यस एंड आई रियली लाइक दिस वायरल ब्लश टेक्निक. सो यस, आप भी ट्राई करना एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आप ट्राई करते हो तो आप कौन सी लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो एंड आपके लिए ये टेक्निक जो है वो वर्क करी है या नहीं करी है. मेरे लिए तो कुछ आप कह सकते हो लाइक 70% इट वर्क, क्योंकि ब्लशर जो हम लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू नो डार्क लगाते हैं, बट अभी ये नेचुरल ब्लश लुक है सो इट्स फाइन फॉर दैट. और लाइक आपको यू नो नेचुरल ब्लश लुक चाहिए तो आप नीचे से लिपस्टिक अप्लाई करके देन ऊपर मेकअप अप्लाई कर सकते हो. So yes, that's it for this video and I'll see you in my next video super soon. Till then, take care. Bye.